है। तो चलिए बिना समय गवाए इसको डबल पे करते हैं, ठीक है। दीजिए डबल दीजिए। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपको हमारा तालीम पूरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आए हुए हैं चकिया ग्राम में, जहाँ पर सांप छुपा हुआ है। तो इनका नाम पता जानते हैं सर? थोड़ा नाम बताइए। सांप कब से दिखाई दे रहा है? कलेज से। जी दोस्तों, सांप इनको कलेज से दिखाई दे रहा है। तो इनको जैसे ही पता चला है कि हम रेस्क्यू करते हैं, वैसे ही हमारे पास कॉल किए हैं और हम स्नेक रेस्क्यू के लिए आ गए हैं यहाँ पर। तो चलिए देख सकते हैं, काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। ईंट यहाँ रखा हुआ है और इसी के अंदर सांप जो है छुपा हुआ है। तो निकालने के बाद पता चलेगा कि कौन सा सांप है। वैसे हमारे पास वीडियो आया हुआ था, तो देख कर कोबरा स्नेक लग रहा था। तो चलिए बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ। अब उसे पॉज कर दो। वीडियो स्पीड कम करके मारा इतना तो उधर गया। कितना पानी है? हां दो यहां मुड़ी इधर है। कंट्रोल उठा कौन? ग्रीन उठा दूंगा। ना ना हाँ, पीछे की तरह आ गया वो, आ गया। समझौता कर रहा हो? रुक जाओ, नहीं रुक जाओ भाई, इधर जगह नहीं है। आप लोग पैसा भी दोगे मारने का तो भी नहीं मारेंगे हम लोग। तो दोस्तों यही वो सांप है जिसको इंडियन रेड स्नेक धामल सांप बोला जाता है, जिसको दोस्तों जिसे घोर पछाड़ सांप भी बोला जाता है। तो इसके बारे में बहुत सारा पता हुआ है कि यह सांप जो है पूंछ से मारने के बाद लोगों को उन्हें जान से हाथ धो बैठना पड़ता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप देख सकते हैं इसे पूंछ में कोई विष नहीं होता है, हम इसे पूंछ ही पकड़े हुए हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यह नॉन वेनमस सांप होता है, बिना जहर वाला सांप होता है, ठीक है। और इसे घोर पछाड़ सांप इसलिए बोला जाता है कि इसका जो दौड़ने का गति है बहुत ही तेज होता है, यही कारण है कि इसको घोर पछाड़ सांप भी बोला जाता है। तो चलिए बिना समय गवाए इसको डबल पे करते हैं, ठीक है। दीजिए डबल दीजिए। तो दोस्तों यह जो सांप होता है काफी मजबूत होता है और इसका फुंकार को भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों कैमरा में टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण आगे का वीडियो हम नहीं दिखा पाए, तो इसके लिए खेद है। आशा करेंगे कि इसके बाद कोई प्रॉब्लम ना हो। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।